नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट में आपका स्वागत करती हूं। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। एयरसेल और डिसनेट यूजर्स के मोबाइल नंबर 31 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएंगे। नंबर पर सेवा जारी रखने के लिए 31 अक्टूबर से पहले अपने नंबर को दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करवा लेना होगा। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में करीब 70 मिलियन एयरसेल के यूजर्स हैं। अगर इन्होंने तय तारीख से पहले अपना नंबर पोर्ट नहीं करवाया तो इनका नंबर अचानक से बंद हो जाएगा। रिलायंस जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी। एयरसेल शुरू हुआ तो, लेकिन दो साल के अंदर ही 2018 में इसका ऑपरेशन बंद हो गया। एयरसेल ने ट्राई का दरवाजा खटखटाया और उसके यूजर्स को एडिशनल यूपीसी की सुविधा दी गई ताकि यूजर सर्विस का लाभ जारी रख सके। अब ट्राई ने साफ कर दिया है कि एयरसेल यूजर्स के पास नंबर पोर्ट करवाने के लिए 31 अक्टूबर तक का आखिरी मौका है। इसके बाद नंबर बंद हो जाएगा और वे पोर्ट भी नहीं करवा पाएंगे। 2018 में जब एयरसेल ने अपना ऑपरेशन बंद किया था उस समय 90 मिलियन यूजर्स थे। ट्राई के डेटा के मुताबिक 28 फरवरी 2018 में 31 अगस्त 2019 के बीच केवल 19 मिलियन एयरसेल यूजर्स ने भी एमएनपी को अपनाया है। बाकी के करीब 70 मिलियन यूजर्स के पास एयरसेल का ही नंबर है जिनके पास यह आखिरी मौका है। 2018 में जब एयरसेल का ऑपरेशन बंद हो गया था उस समय कंपनी कोशिश की थी कि उसका मर्जर आरकॉम के साथ हो जाए, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। टेलीकॉम की दुनिया में कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से बाद में आइडिया का वोडाफोन में मर्ज होना हो गया। जिस समय एयरसेल का संचालन बंद हुआ था उस समय यूजर्स की संख्या सरकारी बीएसएनएल से ज्यादा थी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे आगे था। एयरसेल और वायरलेस डिसनेट कस्टम्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल सर्कल में है, जिनके पास नंबर पोर्ट करवाने का आखिरी मौका 31 अक्टूबर का तय है। उसके बाद नंबर पोर्ट करवाना संभव नहीं होगा। वर्तमान में अगर आप एयरसेल के यूजर्स हैं तो एयरटेल के 2G और 3G नेटवर्क को मैन्युअली सेलेक्ट कर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप नेटवर्क सर्विस में जाकर नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फोन में कोई सिग्नल नहीं दिखाई देगी। मैनुअली नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद मैसेज में जाकर टाइप करें पोर्ट, उसके बाद अपना एयरसेल मोबाइल नंबर टाइप करें और 1900 पर भेज दें। कुछ मिनट में आपके नंबर पर यूपीसी आएगा। आप जिस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेना चाहते हैं उसके स्टोर पर जाएं और यूपीसी कोड की मदद से आपका नंबर दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह का समय लगता है। अगर आपको हमारे ये न्यूज़ पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. पहले ये किसका घर है? ये हमारा पहला रूम, हमारे सपनों का घर। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।